जैसा कि आप लोगों का क्लास टेंथ से फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि प्यारे बच्चों मैथ का बिल्कुल सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर के मैं लेकर के आ चुका हूं। क्योंकि अभी जस्ट पीछे के वीडियो में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर की करा दिया था और मैंने बोला था कि आप लोग तैयार रहना, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है आपको और तैयार रहना, अगर चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर प्रेस रखना, क्योंकि इंग्लिश का सब्जेक्टिव लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पहले ही करवा दिया था। चलिए, विषय को आपको पता है 110 का टाइम, 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। इस नंबर पर मैसेज आप लोग करके व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, 98 355 16 710 पर आपको अपना नाम, जिला का नाम, क्लास टेंथ लेके भेजना, मैं आपको ग्रुप मेट कर लूँगा। चलिए, बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसका उत्तर मैं पहले ही बता दिया था। सब्जेक्टिव की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका सब्जेक्टिव प्रश्न, देख सकते हो लघुतया प्रश्न, 1 से 10 तक प्रश्न, आपको 5 प्रश्नों का जवाब देना है। तो मैं आपको सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, टेंशन आपको नहीं लेना। पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कैसे करना वो भी सिखा दूंगा, ताकि आप लोग डाउनलोड करके आराम से लिख पाओगे, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया कि 1155 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में ज्ञात करें, और क्वेश्चन नंबर 2 है 54 और तथा 336 का लौसव तथा मौसव ज्ञात करें। इसके आगे देख लीजिए, इसके आगे 3 नंबर क्वेश्चन बोला गया, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस 10 का शून्य ज्ञात करें। 4 नंबर की घन बहुपद 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 4 के शून्य तथा गुण्य शून्यकों का योगफल ज्ञात करें। 5 के मूल बिंदु से बिंदु माइनस है, चूंकि माइनस बी की दूरी ज्ञात करें। 6 नंबर है बिंदु 0, 3 और 4, 0 के बीच की दूरी ज्ञात करें। 7 नंबर है यदि साइन थीटा बराबर 21/29 है तो सेक थीटा का मान ज्ञात करें। 8 नंबर को, 7 नंबर क्वेश्चन को मैंने बता दिया, 8 नंबर की मान ज्ञात करना है आपको, साइन एक्स स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार से मान इसको निकालना है, ठीक है। तो मैं आपको सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। अब एक और लॉन्ग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब जो है इसमें दिया गया 11 नंबर क्वेश्चन, इसमें 11 से 15 तक है, 3 प्रश्नों का जवाब देना है। 5 नंबर वाला एक क्वेश्चन, 10, 15 नंबर के लिए होगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन की ठेस परमेय के कथन को लिखे एवं शेड करें। 12 नंबर की साइन 30 डिग्री का मान ज्यामितीय की सहायता से ज्ञात करें। 13 नंबर की साइन थीटा के रूप में सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को व्यक्त करें। और 14 नंबर के निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म इतना का वैल्यू निकालना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया कि यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। तो चलिए, ये हो गया। अब इसका उत्तर भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, अच्छी तरीके से मैं आपको उत्तर इसका डाउनलोड करने, कैसे डाउनलोड करना है वो भी सिखाऊंगा, टेंशन आपको नहीं लेना है, ये आप देख सकते हो ना। तो चलो, पहला नंबर क्वेश्चन, जैसे पहला का क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से यहाँ तक होगा। जैसे 1155 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा 3×5×7×11 तो यहीं तक आपका ये पहला का उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर तीसरा नंबर का उत्तर है। देखिएगा, तीसरा का जो उत्तर होगा इसमें होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस 10 और एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 2x प्लस 10। इस प्रकार से करना है, तो x को कॉमन ले लेना है। 5x प्लस में इसमें x कॉमन लियो तो इसमें x यहाँ बचेगा और 5 यहाँ बचेगा, 5 प्लस x, और इसमें 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पर 2 निकलेगा प्लस में, तो x बचेगा और यहाँ पर 5 बचेगा। तो ये दोनों सेम है, तो सेम को सेम एक 5 माइनस 5 क्योंकि बराबर को डर जाएगा तो माइनस में 5 निकल जाएगा, और 2 था ये भी बराबर को डर जाएगा माइनस में 2, तो x और -5 -2 आ जाएगा। आगे आप देखोगे तो आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 3, 4 नंबर का उत्तर दिया जा रहा है। इसमें है कि चूंकि एक्स क्यूब प्लस में 2x² + 3x + 4, तो यहाँ पर देखो a=1, b=2, c=3 और d=4 आपको रखना है। उसके बाद आपको शून्य को का गुणनफल करना है अल्फा बीटा गामा से इंटू, इसका फॉर्मूला था -d/a होता है, और यहाँ पर आपका d के स्थान पर -4 और 1 आपको a के स्थान पर देना है, यही आपका मान होगा। इसमें आपका ये मान आ जाएगा, यानी डायरेक्ट इसका मान निकलेगा -4, ठीक है, ये आपको लिख लेना है। हो गया इतना उत्तर। आगे चलिए, 5 नंबर को देखते हैं, 1 सेकेंड, 5 नंबर को देखते हैं। चलिए, 5 नंबर को देखिए, मैं आपको इसका पीडीएफ अभी डाउनलोड करने के लिए सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा, मूल बिंदु से बिंदु की दूरी यहाँ पर रूट अंडर में आपको लेना है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर, मान रख लेना है एक्स के स्थान पर -a² और बी के स्थान पर वाई के स्थान पर -b², यही आपका मान आ जाएगा, सिर्फ इतना ही मान होगा। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर है कि दूरी सूत्र से चलना है, दूरी रूट अंडर में x1 x2 - x1² प्लस में y2 - y1² फिर आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर मान आपको रखते चलना है। x के स्थान पे यहाँ पर मान देना है 4 - 0 और इसका पावर होगा फिर 0 - 3 पावर, इसमें घटेगा 0, 0 तो यहाँ पर 4 का √ में पावर स्क्वायर हो जाएगा और इसमें भी -3 का² हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 4 का 16 हो जाएगा वर्ग और 3 का 9 हो जाएगा, इतना आपको लिखना है, और रूट में ये आपका 25 जुटने पे हो जाएगा, 25 हुआ यानी कि 5 बाहर निकल जाएगा, 5 यानी आंसर आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो दिया जा रहा है 7 नंबर का उत्तर होगा। 7 का उत्तर यहाँ पर देखो, साइन थीटा बराबर जो है ना 21/29 है, तो आपको पी ए में आपको वी का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, मान निकालोगे तो वी का वैल्यू होगा रूट में हो जाएगा h² और प्लस में p², ठीक है, ऊंचाई और आधार का। तो यहाँ पर देख लो, दो h के स्थान पे 2a² रख देना है,
2A का और P के स्थान पर 21 का स्क्वायर रख देना है। रखने के बाद फिर आपको रूट अंडर में चलना है 841 माइनस 441, इसमें घटेगा तो डायरेक्ट रूट में 400 होगा और रूट 400 का वैल्यू जो होता है ये आपका 20 यानी 20 का वर्ग होता है 400, तो 20 आएगा, 20 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया। ऐसे अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यह है लॉन्ग क्वेश्चन का उत्तर, यहाँ पर देख सकते हो। इसमें आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर जैसे कि 8x प्लस में इस प्रकार से दिया गया है और यहाँ पर भी है, तो समीकरण 1-2 मानना है। ठीक है, क्वेश्चन दिखा दिया हूँ, देख लेना। चलो, इतना मानने के बाद आपको मान रखते चलना है। देखो, इस प्रकार से रखना है इधर ए से और वी को, इधर इस प्रकार से आपको रखने चलना है, जैसे जैसे कर देना है। करने के बाद यहाँ पर आपको इस प्रकार से बैठा देना बराबर करके, फिर बराबर करके इसको बैठा देना है। बैठाने के बाद फिर आपको यहाँ पर मान रखना है, एक बार इसमें करना है, एक बार इसमें करना है, ऐसे करके। ठीक है, और अब इधर से लिखना है, इधर से आपको यहाँ से यहाँ तक पहले लिखना है, एक सेकेंड, इधर में यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फाइनली एटा एक्स बराबर इतना इतना यानी कि वाई बराबर -5 आ जाएगा, इस प्रकार से मान हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है, मैं आपको इसका जूम करके पीडीएफ दे दूंगा। माना कि यहाँ पर देख लो, ये आपका 15 नंबर का है, इस प्रकार से माना कि लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ से यहाँ तक लिख लोगे, ठीक है, इस प्रकार से लिखते चलना है। ठीक है, तो यही मान हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए, इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मैं आपको सिखा देता हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके लिए सबसे पहले अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे आप क्लिक कर लो। अभी इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, इस चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर, तो चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर आप लोग सर्च कर लो। ठीक है, मिथुन स्टडी सेंटर सर्च कर लो। इसके बाद ऊपर करोगे, फर्स्ट में मिथुन स्टडी सेंटर .com लिखा हुआ वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक कर लोगे। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, ये तो रोटरेट मोड में, इसको डेस्कटॉप मोड से हटाते हैं ताकि आपको समझ में आए। चलो, अब जो है इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। नीचे आओगे ना, नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है, नीचे आ जाओ। नीचे आओगे तो क्लास 10th का सेशन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। फर्स्ट वाला पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आओगे, देखो वार्ड नंबर में दिया था, आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन अभी कर लेना क्योंकि रिप्लाई में अभी नहीं दे पाऊंगा, बहुत सारा मैसेज आ रहा है इसलिए। नीचे आओ, इस प्रकार से यहाँ पर देखो इंग्लिश का भी डाल दो, मैथ है, मैथ के सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पर क्लिक करोगे। पेज को आते ही रिफ्रेश करना, ठीक है, पेज को नीचे की ओर खींच के रिफ्रेश करना, तभी आंसर की मिलेगा, क्योंकि नया कुछ जो भी डाला जाता है जस्ट वेबसाइट पर तो वो रिफ्रेश करने के बाद दिखता है। नीचे आओगे स्क्रॉल डाउन करके, तो देखो ऑब्जेक्टिव में देख लो, ऑब्जेक्टिव का जैसे कि पहला का मैंने उत्तर नंबर डी बताया था, दूसरा का बी, तीसरा का डी, चौथा का ए, पांचवा का डी, इस प्रकार से सारे क्वेश्चन का उत्तर 300 क्वेश्चन का है, लिख लो। नीचे आओ तो देख लो, यहाँ पर सभी क्वेश्चन का उत्तर दिया गया। अच्छी तरीके से आकर के यहाँ से जूम करके आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आकर के यहाँ से डाउनलोड कर लो। इंग्लिश का आंसर है, इसके सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करके भी कर सकते हो। इसको भी पेज रिफ्रेश कर लेना, नीचे आना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का उत्तर देखो मैं पहले ही बता दिया था, उसका उत्तर यहाँ पर है। सब्जेक्टिव में भी देखो दो क्वेश्चन का उत्तर मैं डाल दिया हूँ, आप आकर के जैसे पहला क्वेश्चन, दूसरा का, और भी मैं वीडियो ला रहा हूँ जिसमें क्वेश्चन भी दिखाऊंगा और भी आंसर डालूंगा। यहाँ पर आंसर मैं तुरंत डाल दूंगा, आप देख लेना, और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि वीडियो में डालूंगा तो आपको मिलेगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।